तो बस यही कहूंगा यार, देखो जीन्स के बारे में सोचते हैं ना कि लोग, भाई मेरे में जेनेटिक्स नहीं है, मेरे मम्मी पापा कमाकल के हैं तो मैं भी कमाकल का हूँ, इसलिए मैं नीट नहीं निकाल सकता या जेई नहीं निकाल सकता। तुम हो सकता है यार कम जीन्स है तुम्हारे पे, ठीक है हो सकता है, बट क्यों ना जिनके पास जीन्स है उनकी जो बिहेवियर है उसको कॉपी कर लो ना। जीन्स कॉज बिहेवियर, ये सबको पता है, इतनी तो बायोलॉजी तुम्हें पढ़ रखी है। तो जीन्स नहीं है लेकिन बिहेवियर तो कॉपी कर सकते हो ना। तो आएगा दिस पार्थ गोयल। तो आज यार एक सिंपल सी टॉक करेंगे, ठीक है। एक थॉट मेरे अंदर आया था अभी कुछ टाइम पहले, कल ही रात को ही, एंड जो कि मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा शेयर करने लायक है, एंड हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मेरी अभी तक की बेस्ट वीडियो हो सकती है। तो मैं कल, जैसे तुम्हें पता होगा, रिजल्ट आया था, एंड फिर वही है कि वीडियोज़ बनते हैं, टॉपर्स कौन कौन हैं, उनके इंटरव्यूज़ बनते हैं। तो मैंने भी देखा कि चलो क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करी इन लोगों ने जो नए टॉपर्स आए हैं। जैसे तुम्हें पता होगा मैंने भी कुछ करी थी, है ना। तो मैंने सोचा हाँ भाई चलो देखते हैं। तो उसमें जो अपने शोएब अफ्ताफ हैं, यर वन है उनकी, तो बस उनके बारे में देखा। तो उसने बोला कि भाई फिजिक्स का जो है, फिजिक्स उसने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11 12th में, एंड क्वेश्चंस लगाए थे, 12th के एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस था। केमिस्ट्री में उसने बोला कि फिजिकल की उसने क्वेश्चन ज़्यादा करे थे, थ्योरी कम करो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में थ्योरी अच्छे से करो एनसीईआरटी से। बायोलॉजी में उसने बोला कि एनसीईआरटी मेन है, ट्रूमैन वगैरह उसने पढ़ी थी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में नहीं पढ़ी बिकॉज एम्स नहीं हो रहा था, ये बातें बोली। और तुम्हें बात बता रहा था, ये बातें ना मेरे ख्याल से मैं 100 बार इस प्लेटफॉर्म पे बक चुका हूँ, मतलब पागलों की तरह बोल चुका हूँ, ठीक है। एंड तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ नया नहीं था यार उस जो इंटरव्यू था उसमें, कुछ ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बोलूँ कि हाँ भाई ये टॉपर है, उसके बाद कुछ अलग होगा तो ये इसने बताया है। मतलब ये बातें सबको पता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली आपको भी पता होगा यार ये बात, है ना। तो फिर आप ये सोचो कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि फिर ऐसा क्या है इस बंदे के अंदर जो उसको टॉपर है भाई। जब स्ट्रेटेजी इसकी जो है वो मैं खुद आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो एटलीस्ट आपको तो मैं शोर शॉर्ट कह सकता हूँ कि आपको तो पता ही होगा, बल्कि उसको तो वो भी नहीं पता था। बायो एक जो मैंने बताया था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो उससे ज़्यादा स्ट्रेटेजी तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो भी ऐसा क्या था उस बंदे में जो कि वो टॉप कर गया, सोचने वाली बात है ना। अब अपन एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है, मैं और आप बैठ के एनालाइज करते हैं। अब देखो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी ऑडियंस से बात करूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज मेरे को कोई वो नहीं करना है, मेरे को बस आज जो पर्टिकुलर पर्सन बैठा ना यार मोबाइल की उस तरफ या कंप्यूटर की उस तरफ, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ आज, ठीक है। तो अपन देखो बैठ के एनालाइज करते हैं कि भाई क्या होगा उस टॉपर के अंदर ऐसा। तो पहली बात हो सकती है कि उसने शायद आपसे ज़्यादा मेहनत करी हो इसलिए वो AIR बना है उसकी, शायद, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। दूसरी बात हो सकती है उसके पास इंटेलिजेंस आपसे ज़्यादा, उसकी जीन्स ऐसे हों कि उसके मतलब कि ज़्यादा वो जो है चीज़ों को रिटेन कैपेबिलिटी या समझने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, ये हो सकता है बात। लेकिन एक बात बताओ, जीन्स भी तो एक्सप्रेस होते हैं, जैसे तुम तो आए ना जीन्स हैं, लेकिन मान लो वो बंदा पढ़े ही नहीं तो एक्सप्रेस तो होंगे नहीं वो वाले जीन्स। तो ऐसा क्या एक्सप्रेशन हो रहा है भाई, अगर मान लो कि चलो जीन्स नहीं है, जैसे अपन टॉपर की बात करें, टॉपर के अंदर लोग कहते हैं भाई जीन्स होते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ चलो भाई जीन्स होते हैं मान लिया, ठीक है, और बंदा है किसी अंदर, वो उसके अंदर जीन्स नहीं है। और अपन एक काम करते हैं, अपन ये देखते हैं कि भाई ऐसा क्या वो जीन्स वाला बंदा करता है और क्या वो नई जीन्स वाला बंदा नहीं करता जो इफेक्ट करता है, क्योंकि जीन्स तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो एक एक्शन लाते हैं। तो एक्शन के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक्शन क्या होता होगा भाई। एक इंटेलिजेंट पर्सन ऐसा क्या एक्शन करता है, क्या ऐसा उसके जीन्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट अपन उनको बोलते हैं। तो देखो मैं तुम्हें तो बताता हूँ क्या होता है, एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई नहीं बताता, मतलब टॉपर जो है ना, अपन कहते हैं ना एक क्या ऐसे टॉप के अंदर सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है, एक ऐसी क्या चीज़ है, मतलब ये तो सबको पता है ना यार, फिर भी तुम टॉपर हो ना यार, तुमने जो बात बोली वो सबको पता है फिर भी तुम टॉपर, इसका मतलब तुम अभी कुछ छुपा रहे हो। लोग मेरे से आते हैं कमेंट सेक्शन में, अभी आप तो कुछ छुपा रहे हो तभी आप टॉपर हो, आप वो सब बातें बताओ।
वीडियो का टाइटल भी मैंने लिख रखा है कि टॉपर कुछ छुपाता है क्या। टॉपर कुछ नहीं छुपाता यार, फिर भी वो टॉप करता है, क्यों भाई? मैं बताता हूँ आपको क्यों। इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। आप पहली बात तो हो गई मेहनत, वो तो यार देखो तुम नहीं करोगे ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब होता है कि भाई मेहनत भी कर ली तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? हमारे पास जीन्स नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, तुम्हारे पास जीन्स नहीं है तो भी तुम कर सकते हो। एंड इवन वो बच्चा था ना, उसने बोल रखा है कि उसके कोई फैमिली में डॉक्टर नहीं था। अगर जीन्स ही होते ना भाई तो फिर डॉक्टर होना चाहिए था कोई, मतलब अच्छे खासे लोगों के इंजीनियर डॉक्टर होते हैं मम्मी पापा, तब जाके वो लोग मतलब रैंक लाए तो लगता है हाँ भी उनके जीन्स थे। मेरे मम्मी पापा कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, मेरे मम्मी पापा नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। मेरे घर में कोई भी डॉक्टर नहीं, मेरी बस बुआ जी डॉक्टर है। मतलब समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीन्स है मेरे अंदर, या मुझे नहीं लगता है। बिकॉज मैं जब था, मैं 9th 10th, मैं तो बताऊँ 9th तक मेरे को एक गधा बच्चा माना जाता था स्कूल में, बिल्कुल एक नंबर का गधा बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है। बिकॉज मैं चीज़ें रट नहीं पाता था, मेरे को रटना अच्छा नहीं लगता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बस मैं सिंपल इस बात पर चलता, मेरे को अच्छा नहीं लगता था तो मैं रटता नहीं था। एंड बस टीचर को चलमस्ती थी कि पढ़ करता नहीं है, ऐसे नंबर कम देते थे मेरे को, है ना, इस टाइप से रहता था। तो अब बात करते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, जो जीन्स क्या एक्सप्रेस करते हैं उस पर बात करते हैं। तो मैंने जितना देखा है, देखो मैं को तुम टॉपर मान सकते हो, मेरी ऑल इंडिया रैंक 223 थी नीट में। एंड मैं इवन लोगों के साथ रहा हूँ जिनकी ऑल इंडिया रैंक एम्स जैसे पेपर में 15 आई है, KVPY जैसे पेपर में 4th आई है, उसके साथ मैं 3 साल रहा हूँ, मैंने समय बताया है। तो मैं पता है, और देखो तुम ये बात मान लो कि 1 और 15 के बीच में कोई अंतर नहीं होता, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 15 में, तो तुम ये मान सकते हो कि मैंने, हाँ भाई जो इंडिया के सबसे टॉप है दिमाग है ना, उसके साथ मैंने अपना टाइम बिताया, वो मेरा क्लोज फ्रेंड रहा है। तो इंटेलिजेंस क्या होता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो इंटेलिजेंस पता है क्या होता है, एक सिंपल सी है ना एक इंटेलिजेंस का, कि जैसी चीज़ें हैं वैसा हम उन्हें देख पाएँ, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। अनबाइस्ड होकर के जैसी वो हैं वैसी की वैसी हम उन्हें देख पाए। कई लोग कहते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता, ऐसे लोग कहते हैं कि भैया फिजिक्स तो मैं कंट्रोल में नहीं है, भैया फिजिक्स तो अलग ही चीज़ है। पता है फिजिक्स नहीं कर पाते लोग, क्योंकि लोग देख नहीं पाते जैसा वो क्वेश्चन है वैसा उसको देख पाए, जैसी वो थ्योरी है वैसा उसको देख पाए, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा उसको देख पाए, वो नहीं कर पाते लोग। अपने आप में एक कंडीशनिंग चल रही है, बहुत लोग हैं, जैसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा बार बार वो बात, मैंने कर रखा है एक रोस्ट बना दिया उस पर, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कुछ लोग हैं यहाँ पर यूट्यूब पर जो कहते हैं कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए हमें हमेशा, जैसा हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेके देखना चाहिए। तो फिर यही तो दिक्कत है, एक इंटेलिजेंस में क्या है कि आप जैसी चीज़ है वैसे उसको देख रहे हो। और एक जो पॉजिटिविटी वाले मोटिवेटर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखो, ये फ़र्क है, समझ में आ रही बात? आप बिना नेगेटिविटी के जी नहीं सकते, नेगेटिविटी भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है यार। आप बोलो कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में तभी हम खुश रहेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, नहीं, आप कभी भी किसी चीज़ का जाकर नेगेटिव पॉइंट नहीं निकालोगे एंड फिर उस पर मेहनत नहीं करो तो कैसे काम होगा। आज मैं बोलूँ नहीं मैं तो बहुत मान आदमी हूँ मेरे को सब आता है और मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर बात ही नहीं करूँ, अपनी नेगेटिविटी के ऊपर बात ही नहीं करूँ कि भाई मेरे में क्या क्या गलत है, तो मैं कैसे आगे प्रोग्रेस करूँगा, समझ में आ रही है बात? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी के अंडर आकर के कंडीशनड मत हो, बायस्ड मत हो, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। जो टॉपर्स होते कभी भी बायस नहीं रहेंगे, वो हमेशा वो एकदम एकदम पॉइंट टू वाइज बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। तुम्हें लगता होगा मेरी बातों में, तुम्हें मतलब देख रहे हो तुम मेरे को इतने टाइम से, तुम्हें लगता तो होगा यार ये कुछ है। अब जैसे मैं रोस्ट करता हूँ, तुमने देखा होगा रोस्ट काफ़ी मेरा फेमस है, लोग अच्छा लगता है। अब एक टॉपर से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इस तरीके के काम करे, रोस्ट जैसे काम, है ना। लेकिन तुम्हें पता है एक टॉपर कुछ नहीं होता, एक टॉपर कुछ भी नहीं होता, एक टॉपर वो इतना होता है जिसको बस अच्छा लगता है। मैंने देखा है कि दो तरह के टॉपर होते हैं, एक तो जो भी बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ने के लिए और कोई उनका गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, और दूसरे होते हैं जो को कोई मतलब नहीं होता, उनको बस पढ़ाई करना रहता है, पढ़ाई अच्छी लगती है वो कर लेते हैं बस, और टॉपर बन जाते हैं और वो मतलब नहीं। जैसे तुम देखना अभी जो AIR 1 है JEE एडवांस में, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने बोला कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था भाई, मेरे को IIT में जाकर के जॉब करना है, इसके लिए मैंने पढ़ी नहीं रहा था।
मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मेरे को उसके लिए पढ़ना ही नहीं था ना, वो उसमें जाना चाहता, उसको रिसर्च में जाना चाहता था। टॉपर्स तुम देखो कई सारे रिसर्च में जाना चाहते हैं, इवन मैं भी रिसर्च में जाना चाहता था, मैं MBBS नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे को वही है ना कि पढ़ाई अच्छी लगती है, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है। अब जैसे मैं रोस्ट करता हूँ तो मेरे को वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ, बस मेरे को सिंपल सा रीज़न है। मेरे को एक रोस्ट में ऐसी पावर दिखी कि मैं लोगों को समझा पा रहा हूँ जो मैं समझाना चाहता था हमेशा से, और इस वक्त क्या है कि लोग सीरियस होने की बजाय हंस रहे हैं, जिस वजह से मेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा देख रहे हैं मेरी बात। यही मैं बात आकर के जैसे सीरियसली बताऊंगा ना, तो लोग नहीं देखेंगे इतना, एंड मेरे को मज़ा भी आ रहा है बनाने में। जब आप वो वीडियो बनाते हो, आप सोचो आप पहले जो खुद सोचते हो उसको आप बोलते हो, एंड फिर उसको एडिट करते हो, आप वही बार बार 10 बार सुन रहे होते हो, 20 बार सुन रहे होते हो एडिटिंग के टाइम पे, सोचो कितनी हंसता होगा मैं। जब तुम वो वीडियो देख के हंस रहे हो इतना, तो मैं जब एडिटिंग कर रहा हूँ तो कितना हंसता होगा मैं। तो ये होता है, इसलिए कुछ नहीं होता यार टॉपर की तुम लोग इतना ज़्यादा इज्जत करते हो ना, यही होता है टॉपर, मतलब एक सिंपल सा आदमी होता है जिसको बस पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको बस पढ़ना अच्छा लगता है। तुमने देखा होगा, एक कई लोग कहते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन और एक नॉन सक्सेसफुल में क्या फ़र्क रहता है, कि दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वाला जो है ना वो ज़्यादा मेहनत कर लेता है, वो 24 घंटे में से 26 निकाल ही लेता है वो कैसे ना कैसे करके। तो बस यही कहूँगा यार, देखो जीन्स के बारे में सोचते हैं ना कह लो कि भाई मेरे में जेनेटिक्स नहीं है, मेरे मम्मी पापा कम अकल के हैं तो मैं भी कम अकल का हूँ, इसलिए मैं नीट नहीं निकाल सकता या जेई नहीं निकाल सकता। तुम हो सकता है यार कम जीन्स है तुम्हारे पे, ठीक है हो सकता है, सच बात है। अभी इसको लोग नेगेटिव ले लेंगे, भाई आप डीमोटिवेट कर रहे हो कि हम में जीन्स नहीं है या हम इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं यार डीमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, सच सच बोल रहा हूँ कि हाँ भाई हो सकता है, बट क्यों ना जिनके पास जीन्स हैं उनकी जो बिहेवियर है उसको कॉपी कर लो ना। जीन्स कॉज बिहेवियर, ये सबको पता है, इतनी तो बायोलॉजी तुम्हें पढ़ रखी है, तो जीन्स नहीं है लेकिन बिहेवियर तो कॉपी कर सकते हो ना। तो बिहेवियर क्या है कि जैसी चीज है वैसी उसको देख लो, बस एक लाइन ही बहुत है, बस जैसी चीज है वैसी उसको देख लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। एंड एक बात समझ लेना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। आप सोचो आप जाओगे किसी आदमी का अपना मोबाइल लेकर के, ठीक है, और उसको अपना मोबाइल दिखाया आपने, मान लो कि दोनों ही बात कर रहे थे एक दूसरे के, एकदम से दोनों ने मोबाइल निकाला, अब आपने देखा कि आप जो सामने वाला मोबाइल यूज़ कर रहा है वो सस्ता मोबाइल है, तो आप अंदर ही अंदर थोड़ा खुश हो गए यार, ठीक है ये बात मत बोलना कि नहीं होते कुछ, या सामने वाले को एक छोटा मोबाइल होता है, कम पैसे का मोबाइल होता है हमसे, वहीं पर सामने वाला एप्पल का आईफोन निकालेगा तो आप थोड़ा सा दुखोगे, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके अंदर। तो अब इसको पॉजिटिव वे में ले लो, मतलब चीज़ें हैं ना यार, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है उसको मारो पीट के कि भाई तेरे पे ज़्यादा, ठीक है यार उसमें पैसा था उसने कर लिया, आपको या तो नहीं खर्च करना था या नहीं था पैसा, इसे नहीं कर पाए, पैसा कमाओ करो, मोटिवेशन लो ना इसको कि हाँ भाई सामने वाला कर सकता मैं भी कर सकता हूँ। यही था यार बस एक लाइन थी ये वीडियो की, बस एक लाइन थी कि जो या तो टॉपर इससे बनता है, इस बात से बनता है, देखो स्टडीज सबको पता है कैसे करना, आज के हमें सबको पता है क्या करना है, ऐसा मैं मानता हूँ, जितने भी लोग इवन मेरे से जुड़े हैं उनको तो पता ही है। अब क्या बचता है एक टॉपर की रेसिपी में, और क्या बचता है वो मैं बताता हूँ, मेहनत, और दूसरा मेहनत भी कौन सी वाली जो समझ रहे होगे तुम, ठीक है मेरे को पता है मैंने एक मेहनत की वीडियो बना रखी है कि नहीं मेहनत मेहनत नहीं करनी चाहिए, वो उसी चीज़ को पर्टेन कर रही है, ठीक है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिर भी एक मैं बोलूँगा मेहनत कि वो कितना घंटे पढ़ता है, दूसरा कि वो इंटेलिजेंट है एक टॉपर, और इंटेलिजेंट कैसे है कि वो चीज़ों को जैसे ही हैं वैसे ही देख लेता है। तो बस इतना ही कहना था, होप कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया लगा होगा, कुछ ऐसा लगा होगा जो तुमने कभी सुना नहीं होगा, तो बस यही बोलना था। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार दो यार, शेयर कर दो, शेयर करने से तुम्हें लगता होगा कि यार दोस्त का भला नहीं हो जाए कहीं, ठीक है शेयर नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होता, हो सकता है दोस्त भी तुम्हारा सोच के बैठा हो यार उसका भला नहीं हो जाए, मेरे पे भी एक वीडियो है मैं अपने दोस्त को शेयर नहीं करूँगा। तो जब सिनर्जिस्टिक अपन खेलते हैं ना तो बहुत फ़ायदा मिलता है, अपना किसी की हेल्प करते हैं ना वो भी एक टाइम पे सोचता है जैसे कि यार मैं भी इनकी हेल्प करूँगा कभी, जैसे तुम्हें लगता होगा अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें लगता होगा कि कल को भैया मान लो कि बीमार होते हैं, कल को भैया मान लो मेरी सिटी में आते हैं हम बीमार हो जाएंगे,
और तुम डॉक्टर हो उस टाइम पर वहाँ के, तो तुम हेल्प करोगे ना मेरी? तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरी हेल्प करोगे कभी ना कभी अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो। तो बस इतना ही कहना था यार, बाय, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, बाय।